हेलो एवरीवन, आई आकाश पांडे। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरे कमांड के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेक्टेंगल, सर्किल, पॉलीलाइन और लाइन के बारे में देख रखा है और मिरर के बारे में भी देख रखा है। तो हमारे पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री में इन सब कमांड्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग जा रहे हैं एरे कमांड को पढ़ने। एरे कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, इसलिए हम लोग सबसे पहले एरे कमांड को फिनिश करेंगे। और एरे कमांड पढ़ने के बाद हम लोग ऑफसेट एंड कॉपी, मूव और रोटेट, ये सारी कमांड्स देखेंगे छोटे छोटे। तो आप लोग देखते रहिए, मैं सीरीज से सिखा रहा हूँ। तो लाइक फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, ऐसे करके आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि मैं भी एक ट्रेनर हूँ तो मुझे पता है कि आपको कहाँ से कौन कौन सी कमांड किस टाइम पर देनी है। तो कोशिश करिए आप इसको फॉलो करिए, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए और साथ में सीखना स्टार्ट करिए। आप 100% आप सीख जाओगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट करो और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगी मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ लोगों की प्रॉब्लम। किसी और सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं मोर देन 10 सॉफ्टवेयर पर काम करता हूँ, तो मैं किसी भी सॉफ्टवेयर पर आपको ट्यूटोरियल बना के दे सकता हूँ। आप कमेंट करिए। दोस्तों, जैसे कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है यहाँ पे। अब ऐसे इसी रेक्टेंगल, मतलब इसी पीस के मुझे 100 पीस चाहिए। इसी आइटम के मुझे 100 पीस चाहिए। समझ लीजिए जैसे सोने के सिक्के की कटिंग हो रही है। जैसे होता है ना, सोने का सिक्का आपके सीट मेटल मिल गया, आपको सोने के सिक्के की कटिंग करनी है, 1000 पीसेस निकालना है, ठीक है। अब 1000 पीसेस को अगर आप इसको सेलेक्ट करके, यहाँ पे कॉपी कमांड होती है, इसकी शॉर्ट की होती है CO। अब कॉपी कमांड अगर आप ऐसे करने लगोगे, आप सोने के सिक्के की कटिंग कर लो, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि यहाँ पे जो इतना मटेरियल आपका खराब हुआ, ये पूरा का पूरा मटेरियल वेस्ट जाएगा ना। मान लीजिए आप कॉपी कर रहे हैं और आपने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद ऐसे कॉपी कर दिया और फिर जब इसको कट करने लगे तो कहीं से जो सिक्के थे उसकी कटिंग यहाँ से हो गई तो खराब हो जाएगा। मीन्स प्रॉपर एक डिस्टेंस हो इनके बीच में, तब अगर कटिंग हो तो अच्छे से कटिंग हो जाएगा। प्रॉपर एक डिस्टेंस के लिए हम लोग एरे कमांड को यूज करते हैं। दोस्तों देखिए, अब एरे कमांड को यूज कैसे करना है, इसको सेलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया। सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर होता है एरे। एरे के 3 टाइप्स हैं, रेक्टेंगुलर, पाथ और पोलर। अब देखिए, सबसे पहले हमने लिया रेक्टेंगुलर एरे। जैसे आपने रेक्टेंगुलर एरे पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने कॉलम्स आ गए। आप कॉलम में जितना कॉलम आपको चाहिए वो आप देख लीजिए। अगर आपको कॉलम में 10 चाहिए तो आप 10 डाल के एंटर कर दीजिए। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 10 हमारे पास कॉलम्स में नंबर आ गए। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, रो। रो में आपने अगर सपोज 10 डाल दिया तो देखिए 10 डाल के ऐसे कर दिया रो को। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसको भी हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम वेस्टेज नहीं करना चाहते किसी चीज का। देखिए यहाँ पे 203 है तो मैंने इसको कर दिया 180। ये देखिए पास में आ गया। ऐसे ही रो में, इधर रो में हमने कर दिया 280। ज्यादा गैपिंग बना रहा है तो हमने कर दिया 250, ठीक है। और भी अगर आपको कम करना है तो 220 कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा टोटल डिस्टेंस है, लाइक इसको बनाने में जितना एरिया लगने वाला वो ये है और ये है, ठीक है। इस तरह से देखा हमने कि 10 बाई 10, 10 इधर 10 इधर, अच्छे से सीरीज लगा लिया। अब 2 मिनट के अंदर इसको हम लोग कट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन होता है लेवल का। लेवल क्या करता है, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर ऐसे कटिंग करता है। सपोज आपने लेवल में 10 दे दिया और 10 डाल के एंटर कर दिया, ठीक है। और इसके बाद हमने अब 10 तो डाल दिया, आप देखें अगर आप, तो इसकी थिकनेस बढ़ चुकी है। बट इसको विजुअल करने के लिए, देखने के लिए कि 10 हुए हैं कि नहीं, उनके बीच की गैपिंग को थोड़ा बढ़ा दीजिए। जैसे कि हमने इसके बीच की गैपिंग 10 कर दिया, ओके। चलिए अब देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। इसको देखने के लिए आप लोग यहाँ पे आइए और यहाँ पे जाके आइसोमेट्रिक पे क्लिक करिए। और जैसे आइसोमेट्रिक पे क्लिक किया, देखते हैं कि आपके सामने 10 लेवल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरीके से 10 लेवल्स हो गए और 10 लेवल्स में भी गैपिंग्स है। देखिए यहाँ पर 10 mm की गैपिंग्स है हमारे बीच में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लेवल को यूज करके कई फ्लोर्स में हम लोग कटिंग करवा सकते हैं। इसको हमने टॉप पे ले गए। अब मान लीजिए कि आपको इसमें से कुछ डिलीट करना हुआ, लाइक यहाँ से इतने चेयर्स को डिलीट करना हुआ, बट आप जब इसको सेलेक्ट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जा रहा है। कुछ भी इनके बीच में सेलेक्ट करना है, कुछ भी एडिट करना है, और अगर एरे कमांड यूज हुआ है तो एडिट नहीं होगा। कब तक, जब तक आप इसको तोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर तोड़ने के लिए एक्सप्लोर कमांड होती है। नो, यू कैन यूज एक्सप्लोर कमांड फॉर दिस। जस्ट क्लिक फ्रॉम हियर एक्सप्लोर एंड क्लिक एनीवेयर। सपोज यू वांट टू क्लिक हियर, जस्ट क्लिक हियर, एंटर,
when you click here, see everyone is explode here, right? Now this one, this is the use of explode command, and the short key of explode command is X enter. Okay, X enter, this one is very useful command. Okay, hope you understand rectangle. Okay, our next command is path array. What is path array? Suppose this one is the terrace of your slab or your roof. This one is the terrace of your roof, and this one is your, just suppose this one is your railing. What is this railing? You want to place same like that 20 railings or 30 railings, depend on you. Okay, in that case you can just select this and then click on path array, and when you click here, see many copies are here, right? But the scaling is too much slow, so that's why it's not visible. And if you see here, the between gapping is only 1 mm. If you increase between gapping, suppose you increase 50, just see, this one is looking perfect. With the help of this, you can with the help of path array, आप इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हो. देख लो यहाँ के बीच में, लेकिन आप देखोगे ध्यान से, इनके आइटम्स और टोटल भी बंद है. केवल केवल आप बिटवीन गैपिंग डाल सकते हैं. अभी बिटवीन गैपिंग मैंने इसके बीच में 70 कर दिए. सपोज देखिए क्या हो रहा है, ये 70 के गैपिंग पे हो गया. बट ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर ये मैनेज नहीं हो पाया. देखिए ये इधर ना स्पेस बच गया, अभी 70 भी नहीं है कि कंप्लीट हो जाए. दैट्स व्हाई थोड़ा सा ये कंफर्टेबल नहीं है. ठीक, आप चाहते हो कि पूरा यहाँ तक आए, इन दैट केस जस्ट मेजर पे जाइए और मेजर पे जाके डिवाइड पर क्लिक करिए. जैसे आप डिवाइड पर क्लिक करेंगे, देखिए पूरा का पूरा मैनेज हो गया. ठीक है, इस केस में फायदा क्या होता है, आपको सिर्फ यहाँ पर आइटम डालना है. सपोज आपके पास 50 रेलिंग है, ठीक है, आपके पास 50 रेलिंग, आप 50 डाल दीजिए. आप जैसे 50 डालेंगे तो ये तुरंत कैलकुलेट करेगा. देखिए यहाँ पे 68.25 पे आपको लगाना पड़ेगा, तो प्रॉपर पूरा का पूरा विजुअल होगा. समझ आया? तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं अपने पाथ एरिया कमांड. ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है. कहीं किसी भी पाथ पर कुछ काम करना हो तो आप कर दीजिए, जैसे राउंड स्टेयर बनाना हो या ऐसे बहुत सी चीजें हैं. ठीक है, हम लोग एक एक एग्जाम्पल भी देखेंगे इनके. नेक्स्ट वन इज योर पोलर एरे. पोलर एरे क्या होता है? सपोज आपके पास आपके घर में एक डाइनिंग टेबल है. ये क्या है? ये डाइनिंग टेबल है, और डाइनिंग टेबल के जस्ट सामने एक चेयर लगा हुआ है आपका. ठीक है, और इसको चेयर मानिए और इसको डाइनिंग टेबल मानिए. आपके पास टोटल 10 चेयर्स हैं. कितने? 10 चेयर्स हैं. इन दैट केस जस्ट सेलेक्ट दिस एंड देन पोलर एरे. जैसे आपने पूरा ले लिया और यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके इस पे मिड पॉइंट पे क्लिक कर दिया. देखिए क्या हो गए, इसके 10 कॉपीज, इसके 6 कॉपीज बन गए. आप इसको चाहते हो कि यहाँ पे 10 कॉपीज बन जाए. ठीक है, तो 10 कॉपीज ये एंटर. अब देखिए आपके घर में प्रॉपर 10 चेयर्स बन गए, जिसमें आप पूरी फैमिली बैठ के. ठीक है, तो सपोज इनके बीच में देखिए क्या, इनके बीच में एंगल जो है वो सेम है, इसलिए बहुत ही अच्छा देखने में भी अच्छा लग रहा है. ओके, अब सेम यहाँ पे देखिए रो है. अगर इसके पीछे अभी आपको चेयर्स लगाने हैं तो आप 2 करके इंटर कर दीजिए. देखिए आप इसके पीछे दो दो चेयर्स हो गए. आप 3 करके लगा दीजिए, 4 करके लगा दीजिए. ये देखिए 4 करके लेयर्स हो गए इसके बीच में. ठीक है, और इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लेवल्स भी है. अगर आप इसको लेवल देना चाहते हो 10 लेवल्स, जस्ट क्लिक 10. और लेवल्स के बीच में गैपिंग्स भी बढ़ाना चाहते हो तो हमने गैपिंग्स भी बढ़ा दिया 20 का. ठीक है, देखिए 10 है और ये 20. ठीक है, अब इसके बाद एंटर करके देखा. अब चलो इसको देखते हैं हुआ है कि नहीं लेवल. इन दैट केस जस्ट गो टू आइसोमेट्रिक, सी जस्ट लाइक अ वेंगल सेट और सिमिलर किसी या सिक्के की कटिंग से. देखिए इस तरह से प्रॉपर विजुअल है. ठीक है, और इसको भी डिलीट करना है तो सेम कमांड एक्सप्लोर. अब यार मैं शॉर्ट की से करके दिखाता हूँ आपको. एक्स एंटर, जस्ट क्लिक ऑन एनी ऑब्जेक्ट, एंटर. ये देखिए भाई, इसको भी डिलीट करना चाहें, इसको डिलीट करना चाहें, किसको भी डिलीट कर सकते हो आप, क्योंकि आप एक्सप्लोर कर चुके हो. समझ में आया होगा आई थिंक. ठीक है, वो यहाँ पे अगर सपोज अभी देखिए इसे डिजाइन वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो. सपोज आपके पास एक सर्किल है, इस तरह से आपने इसको सेलेक्ट किया और पोलर एरिया लिया और अब यार मिड पॉइंट पे नहीं, यहाँ पे क्लिक कर दिया. ठीक है, और फिर आपने डाल दिया यहाँ पे 50. ये देखिए इस तरह से हम लोग डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, अच्छे अच्छे डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हैं और आपको इसमें फायदा भी होगा. अभी ने इसको इंटर कर दिया. ओके,
इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एरे कमांड को चलाते हैं दोस्तों। अब एक मैं ड्राइंग ले रहा हूँ, उस ड्राइंग के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूज करेंगे कमांड्स को, ठीक है। तो ड्राइंग को अटैच करने के लिए लास्ट टाइम भी मैंने बताया था XREF, XREF कमांड बहुत ही यूजफुल है। और यहाँ पे आप देखते रहिए और जहाँ पे भी आपको समस्या आती है, ठीक है, उसको आप देख लीजिए, बता दीजिए हमें। जैसे मैंने 1-2 नाम की एक ड्राइंग लिया है, यहाँ पे कर दिया। और सिविल्स के बेसिक्स के लिए मैंने अपनी साइट भी बनाई है unixcivil.com, और आप लोग उस पर जाइए और वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल बहुत ही अच्छे मात्रा में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आप प्रॉपर वहाँ से स्टडी मटेरियल लेके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मुझे मुझे ये इमेज बनाना है, ठीक है। इस इमेज को बनाने के लिए देखिए क्या है, यहाँ पे एक सर्किल है, एक उसके ऊपर सर्किल है, एक उसके ऊपर सर्किल है, ऐसा सर्किल है, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, एक लाइन खींच लो ऐसे। तो मैंने एक लाइन खींच दिया ऐसे ही, ऐसे एक लाइन खींच दिया, ठीक है। इसकी स्केलिंग थोड़ी छोटी कर लीजिए तो बेटर रहेगा आपके लिए। जैसे आप ऐसे कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो आपके पास कमांड होती है ऐसे, ठीक है। स्केल कमांड लीजिए, एंटर करिए और इसको दे दीजिए हम 0.2 सॉरी हो गया, इंक्रीज बहुत ज्यादा हो गया। एल सी इंटर एंड देन 0.2, मान लीजिए ऐसे गया और गायब हो गया, ठीक है। इज दैट इन दैट केस जेड इंटर ए इंटर, ओके, तुरंत ही सामने आ जाएगा आपके। और अब आपको इसको साइज को कम ज़्यादा करना है, आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जाके स्केल कमांड लीजिए, और स्केल कमांड लेके आप यहाँ पे क्लिक करिए, और क्लिक करके आपको जितना छोटा करना है 0.2 इंटर, ये देखिए तुरंत छोटा हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि स्केल आपको मिल गई तो आप प्रॉपर इसके बगल में बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिया यहाँ पे, और ये लेने के बाद यहाँ पे अपने डिस्टेंस डाल दिया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक लाइन खींचना है, तो हमने एक लाइन यहाँ पे खींच लिया। इस तरह से कुछ भी ऐसे लाइन खींच लीजिए, अगर आपने ऑटो ऑन रखा है तो अच्छा रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा ये, ठीक है। और ये लाइन खींचने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे एक सर्किल है जो सबसे इनर है, उसका यहाँ पे देखिए 3 होल्स, मतलब 1, 2, 3, ये 3 होल्स कितने के हैं, 26 आया, मतलब 13 इनका रेडियस है। तो हमने यहाँ पे 13 डाल दिया, 13 डाल के एंटर कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे नेक्स्ट है 43 डाय, ओके 43 डाय मीन्स 22.5 इनका रेडियस रहेगा। तो हमने फिर से सर्किल कमांड लिया और सी इसके शॉर्ट की है, और हमने ले लिया यहाँ पे 22.5, और आप क्या एक लास्ट लिया, लास्ट जो है वो है यहाँ पे देखिए, अगर लास्ट आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 60 इसका रेडियस है, मतलब 60 इसका डायमीटर, मतलब 30 इसका रेडियस है, जस्ट क्लिक 30, ओके। एंड सेम यहाँ से आपको ऊपर जाना है, कितना ऊपर जाना है देखिए, 90 ऊपर जाना है। तो 90 ऊपर जाने के लिए यहाँ पे गए और यहाँ से जाके हमने 90 क्लिक करके कर दिया, ठीक है। इसके साथ ही साथ अब 90 जब आप इधर की ओर जा रहे हैं तो देखिए कितना दिया हुआ है, 30। तो 30 जाने के लिए आप क्या करिए, यहाँ से क्लिक करिए और यहाँ से क्लिक करके 30 डाल के एंटर कर दिए। और इधर की ओर कितना है, जब 30 इधर चल गया, टोटल 72 है, मतलब इधर की ओर 42 जाना है, 42। अब यहाँ पे एक सर्किल है, ये देखिए इनर सर्किल है 13 का, आउटर कितने का है, आउटर के लिए दिया होगा यहाँ पे देखिए, आउटर दिया हुआ है 22 का, क्योंकि 44 इसका डायमीटर है, मतलब 22 का। तो हमने क्या किया, यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके एक 13 का बनाया इंटर, और फिर से हमने कमांड लिया, स्पेस बार दबा देंगे तो रिपीट हो जाएगी कमांड, और उसके बाद नेक्स्ट हमने ले लिया 22 का। दोनों साइड सेम है, सो इसको सिलेक्ट करिए और यहाँ से कॉपी कमांड लीजिए, और इसको कॉपी कर दीजिए, ठीक। अब जो अभी हम लोगों ने कमांड पढ़ी है, वो कमांड पढ़ी है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे रेडी, एक सर्किल है, एक सर्किल यहाँ है, एक सर्किल यहाँ है, 6 सर्किल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इनका जो रेडियस है कितना है दिया हुआ है, डायमीटर 10 है, मतलब 5 रेडियस है इनका। तो अगर मैंने एक बना लिया यहाँ पे इस तरह से, और
सॉरी इसका रेडियस मैंने फिक्स नहीं किया, क्लिक करिए और यहाँ पे इसका रेडियस दे दीजिए 5 मीटर। अब इसको पोलर करा दें, अगर हम लोग अभी पोलर एरिया जो पढ़ा हमने और उसमें 6 पीसेस डाल दें तुरंत बन जाएगा, इसीलिए हम लोगों ने पोलर कमांड को पढ़ा। देखिए यहाँ पे पोलर कमांड लिया और यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे 6 आ गए और इंटर कर, बस इजी वे। इस तरह से हमने देखा कि इसको किस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 105 रेडियस कितना 105 रेडियस है ना, तो हमने पढ़ा है पहले सेकंड ट्यूटोरियल में पढ़ा था 10 10 रेडियस, जस्ट वही ये ले लीजिए। आपने नहीं पढ़ा तो सेकंड ट्यूटोरियल को पढ़ लीजिए। और यहाँ पे फर्स्ट टेंजेंट इसको हमने ले लिया, टेंजेंट यहाँ पे होता है सर्कल के और एक टेंजेंट यहाँ पे होता है, मैंने आपको बताया था, और 105 डाल के एंटर कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे बन गया। अब इसके बाद ट्रिम कमांड होता है, यहाँ पे ट्रिम कमांड लीजिए, TR इसकी शॉर्ट की होती है, लेने के बाद राइट क्लिक करिए तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। माउस से राइट क्लिक करना है, बोलिएगा मत, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ दिया हुआ है 23 रेडियस, ऐसा एक सर्कल गया हुआ है, ये भी एक पूरा रेडियस है, एक सर्किल है, तो ये 10 10 रेडियस है। कौन सा है ये 10 10 रेडियस, वो भी मैंने पढ़ा है आपको, तो यहाँ से 10 10 रेडियस लीजिए, पहला टेंजेंट दूसरा टेंजेंट और रेडियस डाल दीजिए 23 और फिर ट्रिम कमांड लेके राइट क्लिक इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक। अब ऐसे ही मुझे यहाँ पे देखिए इसके यहाँ पे देखिए इसके टेंजेंट से और इसके क्वाड्रेंट पे एक लाइन गई हुई है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करें, लाइन लीजिए, लाइन लेके इसके टेंजेंट, अगर आपको उसको टेंजेंट नहीं मिल रहा है तो शिफ्ट बटन कीबोर्ड से क्लिक करिए और राइट क्लिक करके टेंजेंट ले लीजिए, ठीक है। जैसे आप टेंजेंट पे गए, देखिए आप टेंजेंट लीजिए और टेंजेंट लेने के बाद यहाँ पे इसके क्वाड्रेंट पे क्लिक कर दीजिए। इस तरह से हमने देखा कि हमने पूरी इमेजेस की तैयार कर ली, ठीक है। अब जैसे बीच में ये देखिए सेंटर लाइन के डेडनेस पड़े हुए हैं, इसको करना हुआ तो आपको यहाँ पे आना पड़ता है, वो मैं लेस्ट वीडियोस में डीप में बताऊंगा। और यहाँ पे जाके आप यहाँ पे लोड कर सकते हैं जिस तरह की आपको लाइन टाइप चाहिए, ठीक है। तो अभी मान लीजिए मुझे सेंटर चाहिए, तो मैंने सेंटर लिया, ओके ओके। अब इसको सेंटर में कन्वर्ट करना है तो इसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके आप सेंटर में कन्वर्ट कर दीजिए। इनके बीच गैपिंग को कम ज़्यादा करना है, LTS लाइन टाइप स्केल, और इसको आप अगर 2 कर देंगे तो देखिए क्या होगा, ये देखिए बड़े बड़े इसके सिंबल्स हो गया। फिर सेलेक्ट किया और इसको हमने फिर से लिया LTS और इंटर करके अब क्या हमने कर दिया 0.5, तो ये फिर से सेम हो गया। इस तरह से हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा कंप्लीट। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है बनाने में तो प्लीज़ कमेंट करो और देखते रहो ऐसे ही मेरे छोटे ट्यूटोरियल्स दोस्तों। तो मैं कोशिश करूँगा आपको कैट के सारे सॉफ्टवेयर पे आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा, साथ ही साथ मैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग भी लेके आ रहा हूँ, तो उसमें जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ठीक है, जिससे कि उनको भी पता चले और उनको भी नॉलेज मिले तो अच्छा होगा। ओके, थैंक यू।